नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं। अगर ध्यान रखना कि अगर भगवान महावीर को जब कोई पत्थर मारता था तो वो शांत खड़े रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। अब साधारण बुद्धि का व्यक्ति सोचेगा कि महावीर को उससे भी बड़ा पत्थर उठाकर सामने वाले को मार देना चाहिए। अगर भगवान महावीर उससे बदला नहीं लेते तो इसका अर्थ है कि वो डरपोक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान महावीर को पत्थर मारने वाले की हरकत बचकानी लगती है, क्योंकि भगवान महावीर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। बुद्ध को अगर कोई गाली देता तो वे भी शांत रहते थे, क्योंकि उन्होंने खुद पर काबू पा लिया था। लेकिन लोग कहेंगे बुद्ध डरपोक होंगे, इसीलिए वो पलट कर गालियाँ नहीं देते। ऐसा नहीं है। बुद्ध भगवान एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। महान व्यक्ति चुगली, गालियां, मारपीट, लालच, कपट, लोभ, मोह, गुस्सा, इन सब से ऊपर उठकर अपनी ही दुनिया में खुश, शांत और मस्त रहता है। उसे लोगों की सफाई देने, यानी कि उसे लोगों को सफाई देने, उनसे बहस करने या लड़ाई में कोई भी रस नहीं होता। पर साधारण बुद्धि वाले इन्हें अपनी सोच से तोलते हैं। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति शांत रहता है, गालियां नहीं देता, जवाब नहीं देता या बहस या विवाद नहीं करता, इसका ये अर्थ नहीं कि वो कायर है। इसका अर्थ ये है कि वो महान है, क्योंकि महान व्यक्ति साधारण बुद्धि वालों को जवाब देने में कोई रुचि नहीं रखते। अब आप मुझसे कहेंगे आज की दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं, आप अंधकार में हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? यदि हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना यस और नो, ताकि सबको पता चले कि आज भी दुनिया में ऐसी मानसिकता वाले लोग जीवित हैं। इस वीडियो को देखते ही शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को फ़र्क पता चले कि असल में महान कौन होता है। अगर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो या कुछ भी सीखा हो तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दाब लेना, क्योंकि यहाँ पर आप जिंदगी की बहुत कुछ बातें सीखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।